हेलो एवरीवन, मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि तालों की कुल संख्या कितनी है। तो आइए आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि तालों की कुल संख्या कितनी है। तो एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, भारतीय ताल का शास्त्रीय विवेचन, डॉक्टर अरुण कुमार सेन द्वारा लिखी गई है। इसमें उन्होंने तीन ग्रंथों का उल्लेख किया है। पहला ग्रंथ नारदीय शिक्षा, जो नारद द्वारा लिखी गई है, राग विबोध, जो सोमनाथ द्वारा लिखी गई है, और तीसरी है संगीत रत्नाकर, जो सारंगदेव द्वारा लिखी गई है। नारदीय शिक्षा में तालों की संख्या 101 बताई गई है, राग विबोध में तालों की संख्या 108 और संगीत रत्नाकर में ताल की संख्या 120 बताई गई है। तो यह प्राचीन समय की बात है, जब तालों को पूरे संगीत को भारतीय संगीत सिर्फ भारतीय संगीत था। आधुनिक युग में आते आते भारतीय संगीत दो भागों में बंट गया, उत्तरी भारतीय संगीत, दक्षिणी भारतीय संगीत। अब बात करते हैं दक्षिणी भारतीय संगीत में तालों की संख्या। दक्षिणी भारतीय संगीत में 7 प्रकार की ताल प्रचलित हैं और इन 7 प्रकार की तालों में प्रत्येक ताल में पांच जातियों का प्रयोग किया देखने को मिलता है। तो ये जातियाँ क्या होती हैं, इस पे हम लोग कभी फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम अभी तालों की संख्या पे ध्यान देंगे। तो 10 प्रकार में जातियाँ आती हैं, ताल के 10 प्रकार होते हैं जिसमें जातियाँ आती हैं। तो उन 7 प्रकार की जो तालें हैं दक्षिण भारतीय संगीत में, उन 7 प्रकार की तालों में 5 जातियों का प्रयोग होता है प्रत्येक ताल में, जिसकी वजह से तालों की संख्या 35 हो जाती है। अब इन 35 तालों में पंचगति भेद का इस्तेमाल किया जाता है, 5 प्रकार की होती हैं, जिसकी वजह से 35 × 5 = 175। तो दक्षिण भारतीयों में कुल संख्या 175 मानी गई है। अब हम लोग बात करेंगे उत्तरीय भारतीय संगीत के बारे में। उत्तरीय भारतीय संगीत में तालों की संख्या निश्चित नहीं है, यहाँ पे बहुत सी प्रचलित तालें हैं, बहुत सी अप्रचलित तालें हैं। 8 मात्रे की कई ताल हैं, 12 मात्रे की कई ताल हैं, 16 मात्रे की कई ढेर सारी ताल हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं है। तो उत्तरीय भारतीय ताल में तालों की संख्या निश्चित नहीं है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछें, मैं उस पर ज़रूर आंसर देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।